एक प्रश्न मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मंत्र किस प्रकार जप करें, बोलकर करें या मन में करें। तो आज इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, मंत्र जप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर फिर भी तीन प्रकार के जप ही ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। एक है वाचिक जप, दूसरा है मानसिक जप और तीसरा है उपांशु जप। वाचिक जप में मंत्र बोल बोलकर किया जाता है। इसमें जप करते टाइम अगर आसपास कोई बैठा हो तो उसे भी मंत्र सुनाई देता है। दूसरा जप होता है मानसिक जप, इसमें मन ही मन जप किया जाता है और जप करते टाइम आपके होंठ भी नहीं हिलते हैं, इसलिए आपके जप का किसी को भी पता नहीं चल पाता है। और तीसरा जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप में जप करते टाइम होंठ तो हिलते हैं पर आवाज़ नहीं होती है, जैसे किसी के कान में कुछ चुपचाप धीरे से बोला जाता है, उस तरीके से जप करते हैं। उपांशु जप करते समय भी आपके आसपास कोई भी हो और चाहे कितना भी करीब बैठा हो, उसे आपकी आवाज़ या आपका मंत्र सुनाई नहीं देगा। और ज़्यादातर जप उपांशु ही किए जाते हैं। मंत्र जप करने का ये तरीका सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें बाह्य मन का अंतर्मन से शीघ्र संपर्क जुड़ पाता है, एकाग्रता भी अच्छी बनती है और व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर सरलता से बढ़ने लगता है। मंत्र का प्रभाव जल्दी और पूरा मिल पाता है। इसमें वाचिक और मानसिक दोनों जप का एक साथ लाभ मिल पाता है। वैसे तो तीनों जप के अपने अपने फायदे हैं और अलग अलग मंत्र में अलग अलग तरह के जप का प्रयोग किया जाता है, पर ज़्यादातर मंत्र में उपांशु जप ही किया जाता है। और जिन मंत्र में जप का तरीका नहीं बताया गया हो, उसमें भी आप बिना किसी परेशानी के उपांशु जप का प्रयोग कर सकते हैं, पर फिर भी मैं कुछ मंत्रों का यहाँ पर बता देता हूँ। जितने भी अप्सरा के मंत्र हैं, यक्षिणी के मंत्र हैं, लक्ष्मी मंत्र है, कुबेर मंत्र है, या भगवान शिव के सौम्य मंत्र है, या महामृत्युंजय मंत्र है, इनमें ज़्यादातर उपांशु जप ही किया जाता है। हनुमान जी के मंत्र भी उपांशु जप कर सकते हैं, पर हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं जिनमें वाचिक जप ही किया जाता है। इसके अलावा माता के कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनमें वाचिक जप किया जाता है, पर नवाण मंत्र या माँ काली मंत्र, माता बगलामुखी मंत्र, इनका जप उपांशु जप कर सकते हैं। पितृदोष निवारण के भी सभी मंत्र उपांशु जप ही करते हैं। हवन करते समय सभी मंत्र वाचिक जप में धीमी आवाज में कर सकते हैं, और मानसिक जप में ज़्यादातर कुंडलिनी जागरण के मंत्र, चक्र जागरण के मंत्र, आज्ञा चक्र जागरण के कुछ विशेष मंत्र और इस प्रकार के अन्य सूक्ष्म शरीर या कुंडलिनी से रिलेटेड जितने भी मंत्र होते हैं, उनमें ज़्यादातर मानसिक जप करने को ही कहा जाता है। इसके अलावा घर में यदि सूतक या पातक लगा हो या शरीर शुद्ध ना हो और आसन पर नहीं बैठ सकते, तो भी सौम्य मंत्रों के मानसिक जप कर सकते हैं। शरीर बीमार हो तो बेड पर लेटे लेटे मानसिक जप कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ प्राप्त हो जाता है। या ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं तो भी मानसिक जप कर सकते हैं। पर जिन उग्र साधनाओं में ज़्यादा नियम की आवश्यकता होती है, उनके मंत्र का यूं ही चलते फिरते या अशुद्ध अवस्था में मानसिक जप नहीं कर सकते, जैसे बगलामुखी मंत्र है, धूमावती मंत्र है, ऐसे उग्र मंत्र बेड पर लेटे लेटे या अशुद्ध स्थिति में नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपने इस तरह के उग्र मंत्रों के अनुष्ठान कर रखे हों, इन उग्र मंत्रों के बहुत अधिक जप करके माता के स्वप्न में दर्शन और अन्य अनुभव प्राप्त किए हों, उनकी कृपा प्राप्त करी हो, तो आप लेटे लेटे भी जप करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर उससे पहले आप अपने मन में अपने गुरु का स्मरण अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे। इसके अलावा जिन उग्र साधना में बैठकर मानसिक जप का निर्देश मिला हो, तो उसमें मानसिक जप किया जा सकता है। लक्ष्मी साधना के जितने भी मंत्र हैं, उनका उपांशु जप ही करते हैं। इंद्राणी मंत्र भी उपांशु जप ही किया जाता है। उसमें वाचिक जप करेंगे तो लाभ देर से प्राप्त होगा या फिर कई बार लाभ मिलता ही नहीं है। भैरव मंत्रों में अलग अलग भैरव साधना में अलग अलग प्रकार से जप किया जाता है। कुछ भैरव साधना में मानसिक जप होता है, कुछ में वाचिक, और किसी किसी में उपांशु जप होता है। अभी तक जो दो साधनाएं मैंने भैरव की अपलोड करी है, उसमें उपांशु जप ही कर सकते हैं। भैरव रक्षा मंत्र और महाभैरव साधना मैंने अपलोड करी है, उसमें आप उपांशु जप करेंगे।
और हवन करते समय वाचिक जप करेंगे। एक अजपा जप भी होता है जिसे हर स्थिति में किया जा सकता है। फिर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मन में 24 घंटे एक मंत्र चलता रहता है। कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें ज़्यादा लाभ के लिए अजपा जप का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, जैसे लक्ष्मी बीज मंत्र है। इसमें साधना में बैठकर 11 माला डेली उपांशु जप के साथ साथ बाकी समय अगर अजपा जप करते रहें तो बहुत शीघ्र लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। और इसी प्रकार के कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अजपा जप करते हुए सिद्धि की जाती है। आप अपनी इच्छा से भी कोई एक मंत्र पकड़कर अजपा जप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, पर शुरुआत में सौम्य मंत्र का ही अजपा जप करना सही रहता है। उग्र मंत्र का अजपा जप सब लोगों के लिए करना सुरक्षित नहीं होता। उससे पहले आपको गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र के अनुष्ठान और उनकी कृपा प्राप्त करना जरूरी है। एक जप के गुंजरण वाली विधि भी होती है, जिसे कुछ लोग भ्रमर जप भी कहते हैं, पर यह कुछ विशेष मंत्र में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कुंडलिनी के बीज मंत्र है, या आज्ञा चक्र के कुछ विशेष मंत्र, या कुछ एकाग्रता बढ़ाने या सम्मोहन प्राप्ति के मंत्र हैं, या कुछ देवी देवता के बीज मंत्र हैं, उन्हें गुंजरण करते हुए, भ्रमर जप करते हुए मंत्र जप किया जाता है। ऐसे जप ज़्यादातर बिना माला के होते हैं और इनसे चक्र जागरण, ध्यान प्राप्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, इस तरह के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मंत्र का उच्चारण आंख बंद करके मन में गुंजरण करते हुए, थोड़ी नाक के ऊपर की ध्वनि का प्रयोग करते हुए जप करते हैं। एक अक्षर का बीज मंत्र है तो एक बार का उच्चारण ही लगभग 10 सेकंड तक मुंह के अंदर ही चलता रहता है। मतलब मंत्र बोलने के बाद उसे अंदर ही अंदर चक्रों में गुंजरित करते रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त विधि होती है, पर बहुत कम मंत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने खुद इस विधि का लगभग 20 साल अपने चक्रों पर प्रयोग करके इस विधि का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। मुझे एक सिद्ध साधक से ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ था और मुझे इस विधि का असर लगभग 20 दिन बाद दिखना शुरू हो गया था, और उसके बाद मुझे कुंडलिनी के अनेकों अनुभव प्राप्त हुए थे। पर आज भी इस विधि का प्रयोग करने पर तुरंत अनुभव होते हैं, और मेरी जानकारी में कई ऐसे साधक हैं जो इस विधि का प्रयोग करके कुंडलिनी के अनुभव प्राप्त किए हैं। उसके बारे में जब अलग से कुंडलिनी पर वीडियो बनाएंगे तब शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।